देखो नारद बातों ने आए नारायण नारायण हाँ हाँ मेरे प्रभु का वैकुंठ प्रणाम प्रभु के दियो को प्रणाम प्रभु आपको भी प्रणाम प्रणाम प्रभु आपको संदेश मिला समाचार हाँ मिला गोता लगाने का गोता नहीं नहीं मिला मिला नारद मिला हाँ तो माते आप चल रही है ना कैलाश नहीं प्रभु गड़बड़ है ये सारी गड़बड़ आपने ही की है मैंने क्या किया हाँ आप ही नारद प्रभु क्या नारद ने ऐसा कहा हाँ देवी सरस्वती नारायण जब आएंगे तो हमें उनके साथ कैलाश जाना ही होगा नहीं पर वर कुछ नहीं मैंने कह दिया ना मैं नहीं आऊंगी कमला ने कहा तो नारद ने कहा और उनका संदेशा कभी झूठा नहीं हो सकता हाँ मैं नहीं आऊंगी ठीक है माते तो आज बड़ी क्रोधित लग रही हैं यहाँ पर भी आफत आ गई क्या नारायण नारायण मेरे साथ रहना नारायण 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 प्रणाम पिताश्री प्रणाम पुत्र प्रणाम माते आते नहीं आते आप लोग जाइए मैं नहीं आऊंगी पिताश्री नारद 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 हाँ पिताश्री नारायण यहाँ आने वाले थे ना क्या हुआ क्यों नहीं आए वो तो स्वर्ग चले गए स्वर्ग मेरे कहने का मतलब है स्वर्ग चले गए ये आगे जाके दाएं लेने वहीं स्वर्ग कैलाश के पहले हाँ वहाँ चले गए इंद्रलोक और उन्होंने ये कहा है कि आप भी उनको वहीं मिले सादर आमंत्रण दिया है माते सादर आमंत्रण दिया है तुम जा रहे हो या वीणा दूं उठा के नहीं नहीं मेरे पास खुद की लगता है माते का क्रोध उनकी वीणा की तार से बाहर आ रहा है मुझे तो बड़ा डर लगता है माते से तीनों देवियों में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या पैदा कर दी वो भी नारद के नाम से तीनों देवियों को आपस में मैं ही मिलाऊंगा नारायण नारायण वत्सला वत्सला अरे वत्सला बाहर आओ नारद पीछे से आके क्यों डराती हो हर बार वत्सला मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है बोलिए ना स्वामी होने वाले स्वामी जो भी है सुनो स्नेह मिलन कहो वत्सला कैसे आना हुआ माते हमने इंद्रलोक में एक स्नेह मिलन का आयोजन किया है स्नेह मिलन अरे वाह कितनी अच्छी बात है ऐसा देवी लक्ष्मी कहेंगे आपको स्नेह मिलन जी ये तो अच्छी बात है हाँ माते और इस स्नेह मिलन में समस्त देवी देवता आएंगे आपको भी अवश्य आना है वत्सला जी हम अवश्य आएंगे देवी मैं सत्य कह रही हूँ आप सबसे अधिक सुंदर है आपके आने से कार्यक्रम में चार चांद लग जाएंगे हाँ मैं आऊंगी अवश्य आऊंगी तो आप आएंगी ना देवी हाँ मैं अवश्य आऊंगी स्नेह मिलन में नमस्कार देवियों और देवगण प्रणाम आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने पड़े इस पात्र में कुछ पर्चियां रखी हैं। उन पर्चियों पर कुछ लिखा हुआ है आपको एक एक करके यहाँ पर आना है पर्चियों को उठाना है और पर्ची पे जो भी लिखा है उसे अभिनय करके बताना है सबसे पहली आ रही है माता लक्ष्मी आइए माते लक्ष्मी सरस्वती अरे बिल्कुल सही जवाब एक
सखी ही अपनी सखी को पहचान सकती है। बहुत अच्छे माता लक्ष्मी, राजी है? नहीं है। और अब अंत में माते, माते सरस्वती जिनके आशीर्वाद से संगीत लिखाए सब उत्पन्न हुआ। आइए माते। तीन 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 अलग अलग है। पहला पहला तीसरा देवी पार्वती देवियों की ही होने वाली है। हाँ, आज तक देवियों के सामने कोई टिक पाया है? देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती, आप दोनों ने बहुत अच्छा खेला। देवियों, किसी की बात पर विश्वास करने से पहले कई बार सोच लेना चाहिए। देखो नारद बातों नहीं आए।